हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल मेकअप लुक। एंड बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मेकअप लुक है। एंड मैंने इससे पहले इस तरह का नवरात्रि वाला मेकअप लुक कभी भी क्रिएट नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम मैं क्रिएट कर रही हूँ एंड मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो गाइस, इस मेकअप को करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूज़ किया है फर्मर जेल, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ है एंड स्किन को बहुत ही नरिश कर देता है। सो यहाँ पर मैं इस जेल का यूज़ करके अपनी स्किन को अच्छे से नरिश कर रही हूँ, ताकि मेरी जो स्किन है वो बिल्कुल भी आफ्टर मेकअप पैची ना लगे और ड्राई ना लगे। सो यहाँ पर मैंने अपने स्किन को अच्छे से नरिश कर लिया है। सो नेक्स्ट स्टेप जो है गाइस, वो है सीरम। सो यहाँ पर मैं सीरम भी फर्मर ब्रांड का ही यूज़ कर रही हूँ। ये जो सीरम है गाइस, ये काफ़ी अच्छा सीरम है एंड ये स्किन को नरिश भी करता है, मॉइस्चराइज भी करता है एंड स्किन के लिए भी इसके बहुत बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे वीडियो को जाके देख सकते हैं, मैंने इस ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनका रिव्यू किया था। सो आप जाके उन प्रोडक्ट्स का रिव्यू देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा सीरम है ये एंड काफ़ी दिन से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है इस वाले सीरम से। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो गाइस, यहाँ पर मैंने नेक्स्ट अपने स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए फेस क्रीम का यूज़ किया है एंड क्रीम के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ गाइस लोटस की फेस क्रीम एंड काफ़ी अच्छी क्रीम है। अभी तो समर सीज़न आ गया है बट वैसे तो ये ऑयली तो नहीं करती है और मुझे वैसे समर्स में इतनी नीड नहीं होती है, बिकॉज़ मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा विंटर्स में ड्राई हो जाती है, बट समर्स में मेरी स्किन नॉर्मल रहती है। सो ये जो क्रीम है गाइस, वैसे तो ये नाइट क्रीम है बट मैं इसे अभी मेकअप के लिए यूज़ करी, बिकॉज इसकी जो डे क्रीम थी वो मैं पूरी की पूरी पूरा का पूरा कंटेनर ख़त्म कर चुकी हूँ। काफ़ी अच्छी क्रीम थी एंड मैंने पूरे विंटर सीज़न में उसी क्रीम का यूज़ किया था, काफ़ी अच्छी क्रीम थी। सो अभी मैं इसकी नाइट क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी स्किन को काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज करती है एंड एकदम से छू भी हो जाती है, बिल्कुल भी आपको आपकी स्किन को ऑयली नहीं बनाएगी। सो काफ़ी अच्छी क्रीम है ये। सो नेक्स्ट स्टेप जो है गाइस, वो है हमारा फेस प्राइमर। एंड फेस प्राइमर भी मैं गाइस यहाँ पर फर्मर ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ एंड ये जो प्राइमर है गाइस, आप मान लीजिए अ बटर, बटर की तरह इतना ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ है एंड साथ ही मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग एंड शाइनी बना देता है। एंड यू कैन सी दैट कि अभी मेरी जो स्किन है वो कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है इसको लगाने के बाद, आप देख पा रहे होंगे। सो काफ़ी अच्छा प्राइमर है, स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देता है, बहुत अच्छा टेक्स्चर देता है एंड हमारा जो बेस है वो बहुत बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस बना देता है। सो काफ़ी अच्छा इसका प्राइमर है एंड इसे मैंने अपने पूरे फेस पर एंड पर अप्लाई कर लिया है। इसके बाद गाइस, हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर लिप्स को हम हाइड्रेट करेंगे एंड उनका जो नेचुरल कलर है वो देंगे, बिकॉज यू कैन सी दैट कि मेरे जो लिप्स हैं वो कितने ज़्यादा डल लग रहे हैं इस टाइम। सो और बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो रहे हैं, मैं खुद फील कर रही हूँ कि इस टाइम मेरे जो लिप्स हैं गाइस वो बहुत बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखे हैं। सो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ इलाना ब्रांड का लिप टिंट, जो कि चुकंदर का बना हुआ है। सो इसके सबसे अच्छी बात यह है कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है, हम मेरे जो लिप्स हैं उनको एक नेचुरल कलर देता है एंड साथ ही हाइड्रेट भी करता है। सो काफ़ी अच्छा ये लिप टिंट है। एंड इसके बाद हम गाइस करने वाले हैं अपना फेस का मेकअप स्टार्ट। सो सबसे पहले गाइस हम अपना आइस का मेकअप स्टार्ट करेंगे एंड आइस का मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर कंसीलर का यूज़ करूँगी एंड मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया है। कंसीलर को मैं अपने आईब्रोज़ के आसपास एंड अपनी आईज़ पर लगाकर अच्छे से उसे ब्लेंड कर लूँगी। सो इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करने के बाद इसे सेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी लूज़ पाउडर का। एंड लूज़ पाउडर गाइस मैंने यहाँ पर लिया है मेबेलिन फिटमी का एंड इसे मैंने अच्छे से अपने आईज़ के आसपास लगाकर अपने बेस को अच्छे से सेट कर लिया है। सो फाइनली गाइस, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना आईज़ का मेकअप एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करूँगी एंड आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए गाइस मैंने यहाँ पर पैक का आई डिफाइनर पैलेट लिया है एंड इससे मैं अपने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करूँगी और काफ़ी अच्छे से डिफ़ाइन हो भी गई है। काफ़ी अच्छा ये वाला पैलेट है, बिकॉज़ इस टाइम पर ये वाला मेरा फेवरेट है प्रोडक्ट है, बिकॉज़ इससे आईज़ ना बहुत अच्छी डिफ़ाइन हो जाती है एंड इसके अंदर 4 कलर्स हैं। सो आप हर कोई इस प्रोडक्ट का यूज़ कर सकता है, आप अपने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से इन कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं
अपनी आईब्रोज को डिफाइन कर चुकी हूँ। एंड आईब्रोज को डिफाइन करने के बाद गाइस हम अपनी आईज का मेकअप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने बहुत ही लाइट वाला पिंक शेड अपनी पूरी की पूरी आईलिड पर लगा लिया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी क्रीज है वहाँ पर आपको थोड़ा सा लाइट रखना है, बाकी आप डार्क रखिए, बाकी क्रीज पर आपको हल्का हल्का सा लाइट कलर का शेड देना है। सो मैंने इसे पूरी आईलिड पर अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट गाइस मैं यहाँ पर पैक का जो आई शेडो पैलेट है वहाँ उसमें से मैं ये डार्क वाला पिंक रोजी कलर ले रही हूँ। एंड ये बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर है। इसे मैंने अपने आईलिड के सेंटर सेंटर में लगाया है। मैं यहाँ पर क्रीज के आसपास नहीं जाऊँगी, सिर्फ सेंटर सेंटर में रखूँगी, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। सो बिकॉज हमें क्रीज के आसपास सिर्फ लाइट लाइट शेड रखना है एंड हमें सेंटर सेंटर में ही एंड आईलिड पर ही सिर्फ डार्क कलर रखना है। सो मैंने इस तरीके से पूरी आईलिड पर अप्लाई कर लिया है एंड क्रीज पर मैं अगेन बहुत लाइट लाइट सा ही शेड रखूँगी। एंड यू कैन सी दैट कि मैंने किस तरीके से अप्लाई किया है। नेक्स्ट गाइस मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्लैक कलर एंड ब्लैक कलर से मैं अपनी आईज के कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी एंड उसे हल्का हल्का सा शेड दूंगी। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ गाइस आपको बिल्कुल ठीक इसी तरीके से करना है एंड बहुत ही हल्का हल्का सा शेड देना है, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना एंड बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं रखना। और आपको कंटिन्यूसली इसे जो है ब्लेंड करना है ताकि बहुत ही अच्छा सा शेड निकल कर के आए। आप जितना अच्छा ब्लेंड करेंगे उतना ही अच्छा आपका आईज का मेकअप होगा। सो आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। एंड देन ब्लेंड करने के बाद गाइज मैं यहाँ पर डार्क पर्पल शेड ले रही हूँ। मेरा जो डार्क पर्पल शेड है गाइज वो शिमरी में है तो अच्छे से इसका कलर उभर कर नहीं आ रहा है, बट अगर आपके पास है डार्क पर्पल शेड तो आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छा सा शेड दे सकते हैं। सो आपको ये अपनी लोअर लैश लाइन के नीचे लगाना है। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पर NYB का काजल लिया है एंड इस काजल को मैंने अपनी अपर वाटर लाइन एंड लोअर वाटर लाइन दोनों पर लगाया है। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कलर बार का आईलाइनर एंड इस आईलाइनर को मैंने अपनी एक विंग्स बनाई है। एंड फाइनली मेरा जो मेकअप है गाइज आईज़ का मेकअप है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। एंड यू कैन सी दैट कि मेरी आईज़ जो है वो कितनी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। अब हम अपना फेस का मेकअप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने फाउंडेशन लिया है NYB का ड्यू एंड ड्रॉप सॉरी फाउंडेशन एंड ये बहुत बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, काफ़ी अच्छा ड्यू लुक देता है। सो मैंने इस फाउंडेशन को अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है एंड अच्छी तरह से ब्लेंड भी कर लिया है और उसके बाद मैंने इसे सेट भी कर लिया है अपने लूज़ पाउडर की मदद से। और इसको सेट करने के बाद गाइस हम अप्लाई करेंगे अपना ब्लश। सो गाइस यहाँ पर मैंने बहुत ही लाइट पिंक शेड का ब्लश अप्लाई किया है अपने चीक्स पर और बहुत ज़्यादा डार्क शेड भी नहीं लेना है आपको, बहुत बहुत लाइट शेड लेना है, लाइक रोजी वाला शेड लेना है। सो मैंने यहाँ पर अपने चीक्स पर ब्लश लगा लिया है। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर डॉट डॉट करके आईलाइनर से यहाँ पे छोटी छोटी सी लाइक इस तरीके से डिज़ाइनिंग करूँगी अपने आईज़ के पास, अपने चिन पर। सो आपको तीनों जगह इस तरीके से डिज़ाइनिंग करनी है अपने आईलाइनर की मदद से। और नेक्स्ट हम क्लोजिंग के लिए अपना लिपस्टिक लगाएंगे और लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लैक्मे की लिपस्टिक, जो कि बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। काफ़ी टाइम से मैं इस लिपस्टिक को यूज़ कर रही हूँ एंड अगर मुझे लाइक वाटर पार्क जाना होता है या कोई भी ऐसी जगह जाना होता है जहाँ पे लाइक मुझे वाटर के अंदर जाना पड़ेगा तो गाइज मैं ऑलवेज इस लिपस्टिक का यूज़ करती हूँ। बहुत बहुत अच्छी लिपस्टिक है। सो गाइज यहाँ पर जो मेरा मेकअप है कम्प्लीट होता है एंड मैंने इसे कम्प्लीट किया है अपनी जंग ज्वेलरी के साथ। सो काफ़ी अच्छा मेकअप लुक है। आई होप आपको ये लुक पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा एंड अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं या आप चाहते हैं मैं कोई भी मेकअप लुक क्रिएट करूँ सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर सजेस्ट करना। एंड अगर आप ये मेकअप लुक क्रिएट करते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना। और गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इस मेकअप लुक की जो पिक्चर्स हैं गाइज वो इंस्टाग्राम पर जल्दी पोस्ट होंगी सो आप वहाँ जाकर के इस लुक की पिक्चर्स को देख सकते हैं एंड रील्स वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हैं। सो फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो एंड गाइज बाय, टाटा, सी यू।